दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी कड़ी निंदा मैं करता हूँ। और जिन लोगों ने भी घटना की है, मुझे लगता है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उसकी चिंता करेंगी। सिक्योरिटी में इस तरह की एकाध घटनाएं निश्चित रूप से लोगों के मन में संदेह पैदा करती है, लेकिन एक 360 डिग्री अप्रोच के साथ सिक्योरिटी सिचुएशन पर हम काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि पहले से स्थिति काफी बेहतर है, हम एक आदर्श स्थिति बनाने में सफल होंगे। बंदूक किसी की सगी नहीं है, ना हिंदू की, ना मुसलमान की, ना सिख की, ना ईसाई की। पिछले 35 सालों की इस दहशतगर्दी में हमारे लाखों बेगुनाह नौजवानों की जम्मू कश्मीर में इस दहशतगर्दी में जान चली गई। उसमें हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। ये बंदूक किसी की सगी नहीं हो सकती। इस बंदूक ने कश्मीर को लहूलुहान किया है, और इन बंदूक वालों ने, जो कि हमसाया मुल्क पाकिस्तान से, जिनके पास खुद खाने को तो अनाज और दो वक्त की रोटी नहीं है जिनके लोगों के पास, लेकिन हमारे लोगों को गोलियां मारकर, टारगेटेड किलिंग्स करके इस तरीके से जुल्म और सितम किया जा रहा है। ये महापाप किया है। देखिए, संजय शर्मा साहब जो कश्मीरी पंडित हैं, जिनकी निर्मम हत्या की गई है, उनको जितना भी सहयोग होगा एलजी प्रशासन की ओर से होगा। मेरी सुबह ही माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात हुई है, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर और जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, कल से ही सब लोग इधर हैं। जितना सहयोग हमसे हो पाएगा, प्रशासन से हो पाएगा, वो करेंगे। जम्मू कश्मीर के, कश्मीर की वादी के वही मुसलमान हैं, जब 1947 में पूरे हिंदुस्तान में दंगे हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम फसादात हो रहे थे, कश्मीर की वादी एक वाहिद जगह थी जहाँ के मुसलमानों ने अपने सब कुछ दाव लगा के यहाँ के हिंदू, यहाँ के मुसलमान, यहाँ के सॉरी सिख, यहाँ के कश्मीरी पंडितों को बचाया। मगर आज यहाँ के मुसलमान खुद मुसीबत में फंसे हुए हैं। एक तरफ से सरकार का जुल्म मिलिटेंसी खत्म करने के नाम पे हमारे हजारों लोगों को जेलों में डाला जाता है, हमारे मकानों पे ताला लगाया जाता है, एनआईए ईडी के छापे डाले जाते हैं, टेरर फंडिंग के नाम पे, मिलिटेंसी के नाम पे हमारे हजारों की तादाद में हमारे लोग बाहर के जेलों में हैं, और उनके घरवालों की कोई रसाई नहीं है उन तक। और रोज हमारे यहाँ आज भी 4 मकान अटैच किए गए, और हमें ये बताया जाता है कि हम मिलिटेंसी खत्म करें। अगर मिलिटेंसी खत्म है तो इसको किसने मारा? क्या कर रही है सरकार, क्या कर रही है?